Yes, good evening class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. One, Manish, Om, Nidhi, Asiti, Ayush, Parth, Swam. Yes. हाँ तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल का तीसरा लेक्चर है. कल भी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और आपको मैंने बोला अच्छे से रिवीजन करके आने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कल एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रैक्टिस से. हाँ वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन लास्ट क्लास. ओके सो प्रैक्टिस सेट 5.1 से किसी को कुछ पूछना भी है क्या? ओके तो मैं कोई एक क्वेश्चन एक और डिस्कस करता हूँ. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आखिरी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके सो द क्वेश्चन सेज इन फिगर 5.13 इट मींस दिस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कहने का मतलब सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. राइट ये अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होती है? इक्वल सॉरी पैरेलल होती है. इक्वल भी होती है बट अभी हमें पैरेलल के बारे में पढ़नी है. पैरेललोग्राम का नाम ही पैरेलल. ओके जैसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम को, दो पैरेलल लाइन और जीएम. तो पैरेललोग्राम जब आपको आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है? बी ई इज इक्वल टू ए बी. ओके बी ई और ए बी ये यहाँ पे इक्वल दिया है. बी ई इज इक्वल टू ए बी ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है. राइट सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है? पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये हमने प्रूफ करके देखा था. राइट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. मीन्स अपोजिट साइड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. मीन्स दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड सिमिलरली दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी. राइट सो यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करनी है. तो प्रूफ क्या करनी है? देन प्रूफ दैट लाइन ई डी. ओके ये एक लाइन ई डी यहाँ पे है. तो आपको यह प्रूव करना है कि ये ई डी लाइन जब ये बी सी पे पड़ती है तो ये बी सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. मीन्स बाइसेक्ट्स. बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट. राइट सो ये हमें यहाँ पे शो करना है दैट डी ई जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये बी सी को टू इक्वल पार्ट में यहाँ पे क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. तो मीन्स वी हैव टू प्रूफ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू प्रूफ. हमें प्रूफ क्या करनी है? एफ बी इज इक्वल टू एफ सी. राइट एफ बी इज इक्वल टू एफ सी ये हमें प्रूफ करनी है. ध्यान से समझिएगा. सो यहाँ पे क्या देख रहे हो? दिस ए बी
इज इक्वल टू बीई एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू, ये जो ए बी है ये सी डी के भी बराबर है, राइट। ए बी इज इक्वल टू बीई एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट ऑल थ्री आर इक्वल। ओके, मीन्स अगर हम इसे इक्वेशन वन बोलेंगे और इसे इक्वेशन बी बोलेंगे, तो फ्रॉम ए एंड बी यहाँ से आपको क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ई, ये तो दिया ही गया है, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के भी बराबर है। ओके, इट मीन्स मीन्स दिस लाइन इज इक्वल टू, जस्ट जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड। यस सॉरी, हाँ, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डैट बी ई ए बी और सी डी ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप बोल सकते हो सी डी इज इक्वल टू बी। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, तो हम क्या करेंगे, वी विल कंग्रुएंट दिस ट्राइंगल में। बाकी सारे चीजों को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना रहता है तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि कुछ चीजें मैं लेफ्ट में लिखता हूँ, कुछ राइट में लिखता हूँ, तो कोई एक प्रॉपर सिक्वेंस आपको अगर बाद में लिखोगे तो आपको मालूम शायद नहीं चलेगा। सो अभी हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या करने वाले हैं, कोशिश करते हैं कंग्रुएंट करने का, राइट। डी एफ सी एंड ई बी एफ, राइट। सो इन ट्राइंगल डी एफ सी एंड ट्राइंगल एफ बी ई, ये दोनों ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों होगी इक्वल, बिकॉज दिस आर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिखोगे यहाँ पे डैट सबसे पहले एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू एफ बी ई, ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि लाइन बी ए इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। अगर आप एक्यूट एंगल नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लाइंस एंड एंगल्स के इक्वल टू
बी ई, ये हमने अभी प्रूफ किया। ओके मीन्स आपको ये गिवन है, ओके दिस इज गिवन, ये हमने यहाँ पे निकाला राइट। एंड एंगल दिस एंगल सी डी एफ, सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ बी ई एफ, बी ई एफ, ये भी क्यों है, बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू बी, मीन्स सेम ऊपर में जो हमने लिखा यहाँ पे। बट ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन इज डी ई राइट, डी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन ओवर हियर, डी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल को मैं ट्रांस लिख दिया। ओके तो ये क्या है, दिस इज अल्टरनेट एंगल पेयर, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल डी एफ सी विल बी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी ए। तो यहाँ पे कौन सा कंग्रुएंसी टेस्ट लगेगा, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कंग्रुएंट हुआ तो कौन से कंग्रुएंसी टेस्ट आप यहाँ पे यूज करोगे। हम लोगों ने कंग्रुएंसी टेस्ट इससे पहले ट्राइंगल के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है देन दैट ट्राइंगल इज कंग्रुएंट, जैसे एस एस एस। इसी तरीके से दो साइड आपको दिया गया है और बीच का एंगल दिया है तो वहां पे एस ए एस लगाओगे। दो एंगल दिया गया है और उसके बीच का साइड दिया गया है देन यू विल अप्लाई एंगल साइड एंगल। इसी तरीके से आर एच एस आती है। तो ये सारे कंग्रुएंसी टेस्ट हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ट्राइंगल्स के टॉपिक में देखा। तो जब मैं लास्ट क्लास में सॉल्व कर रहा था तो भी आप ये नहीं बता पा रहे थे, तो देर इज ओनली वन आंसर इन द चैट बॉक्स दैट इज ए एस ए। तो देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में आप एक सीक्वेंस से चलो, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो क्या हुई एंगल, देन दिस साइड दैट इज सी डी इज इक्वल टू बी, तो ये क्या हो गई साइड। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके तो ये क्या हो गई एंगल। तो ट्राइंगल डी एफ सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी ई बाय ए एस ए कंग्रुएंसी टेस्ट, एंगल साइड एंगल। आप इधर से भी काउंट करोगे तो पहले एंगल आया साइड आया एंगल। आप इस ट्राइंगल में भी देख सकते हो पहले एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है, या आप इधर से भी राइट साइड से भी आप देख सकते हो। ओके सो यहाँ पे ए एस ए कंग्रुएंसी टेस्ट लगेगी और ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। और जब भी ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होगी तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, क्योंकि कंग्रुएंट एंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक एग्जाम्पल ट्राइंगल का फिगर लेके मैंने आपको समझाया था कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हैं तो दे विल ओवरलैप इच अदर। सो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हो, मैं दोनों ट्राइंगल को अलग करके बनाता हूँ। यस सो ऊपर में कुछ इस तरीके का हमारा फिगर है डी सी एफ
बी ई राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, आपस में कंग्रुएंट होगी। यहाँ पे इस कॉर्नर से जब आप फोल्ड करोगे, मेरा फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है बिकॉज दिस इज फ्री हैंड ड्राइंग। तो सिंस दीज टू ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन दिस साइड विल ओवरलैप दिस साइड। ओके, तो कब ओवरलैप करेगी, जब दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी राइट। तो जब दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पोंडिंग पार्ट जो भी होती है, आइदर इट इज एंगल साइड, सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं CPCT, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल राइट। सो ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज लगानी थी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही था दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, तो इसे हमने ये निकाला और फिर हमने दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट किया। होप आप ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप क्लास के बाद इसके वीडियोस को आप देखिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना भी है क्या? ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको आपसे डिस्कस किया, क्या आपको कुछ पूछना भी है? ओके, सो लेट अस मूव टू द टॉपिक। जो भी एक्सरसाइज आते हैं आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ज्योमेट्री। अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ओके, तो ज्योमेट्री की सारी सारे चैप्टर्स एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा, तो इसमें पैरेलल लाइन वगैरह सब आए। फिर हम लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक को नहीं करोगे, फिर उसके बाद सर्कल आ गए। ओके, और सर्कल के अंदर में क्या आती है, सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल बनता है राइट। लेट अस सपोज दिस ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम आएगी। ओके, नॉट ओनली क्वाड्रिलेटरल बट आल्सो इससे पहले आपने जो भी ज्योमेट्री पढ़ा है वो आप सारे एप्लीकेशंस का वहां पे यूज होगा। सो ज्योमेट्री में जो भी टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़ा है, सारे टॉपिक्स को आप धीरे धीरे गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ और कंग्रुएंसी टेस्ट आपसे पूछता हूँ तो आपके आंसर्स नहीं आते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन सफिशियंट नहीं सॉल्व किया है राइट। सो लेट अस रिकैप अबाउट टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। तो हम लोगों ने क्या देखा, लेट अस सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, और एक ऐसी लाइन जो इसे क्रॉस करके जा रही है, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन T बोलते हैं। ओके, तो इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ओके लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, L1 एंड L2 विल बी पैरेलल। ओके, मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन की किसी एक साइड की इंटीरियर एंगल की सम क्या होगी, 180 डिग्री होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि द नेम ऑफ दिस एंगल इज सी, इस एंगल को मैं सी बोला एंड दिस एंगल इज डी, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या होगा। आपको यह दिया गया है दैट L1 इज पैरेलल टू L2, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू क्या होगी।
व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी? वेरी गुड, इट इज 180 डिग्री. ओके, सो एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री. इफ द सम ऑफ दीज एंगल विल नॉट बी 180, तो क्या होगा? ये दोनों लाइन कहीं दूर जाकर के क्या होगा? दे विल क्रॉस ईच अदर, राइट? ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे. सो पैरेलल लाइन के लिए यह जरूरी है कि अगर आपने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया तो ये जो इंटीरियर एंगल की जो पेयर एंगल्स हैं दैट विल बी 180 डिग्री. तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है पैरेलल लाइन की थ्री टेस्ट के बारे में. सो Now let us discuss theorem. Theorem is, जो भी theorems आपके books में हैं, आपको उसके statement means याद करने के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, but आपको उसके statement दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि जब आप, for example, आपने कुछ questions किया तो आपको उसके राइट में लिखने होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे इस क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एफ सी डी और एफ बी ये इक्वल है. तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बी ई और सी डी, और बी सी ट्रांसवर्सल है. सो यू हैव टू मेंशन. सो ये थ्योरम की कोशिश करिएगा, स्टेटमेंट भी आप याद रखने के लिए. सो थ्योरम इज, इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है. So, देखते हैं कि इस स्लाइड में ये सारे थ्योरम्स हैं क्या. थोड़ा हम लोग रिकैप भी कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सब डिस्कस किया. Yes. So, a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangle. Parallelogram की जो diagonal होती है वो parallelogram को two congruent triangle में divide करती है. ये सारे theorems हम लोगों ने prove कर चुका है. इसी तरीके से if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. तो ये अभी आपका यहाँ पे theorem है कि opposite sides quadrilateral की equal दी गई है, तो ये क्या होगा? Parallelogram होगा. तो आपको ये triangle और ये triangle को यहाँ पे congruent करना है. तो congruent करके आप बता दोगे कि हाँ. So जब कंग्रुएंट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? जस्ट वेट. हाँ, सो यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर एस. ये दोनों ट्राइंगल को आपको कंग्रुएंट करना. तो जब आप कंग्रुएंट करोगे तो क्या होगा?
PRS, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू आर पी क्यू। ओके, ये दोनों एंगल क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। मीन्स ये दोनों ट्राइंगल को जब आप कंग्रुएंट करोगे तो ये डायगनल के अलोंग इस ट्राइंगल को आप फोल्ड कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, एक पेपर का टुकड़ा ले लिया ऐसा, और कॉर्नर से क्या किया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो क्या होगा? तो इस केस में आपको क्या लगेगा कि ये जो यहाँ पे जो एंगल है ये यहाँ पे आएगी, राइट? बट यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल जैसा आपको दिख रहा है, तो इसके वजह से ये दोनों लाइंस यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये थ्योरम हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, राइट? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इस पे हमने क्वेश्चंस भी किया था कि एक कोई पैरेललोग्राम दिया गया है तो उसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर एंगल ए 100 दी गई है तो एंगल सी बी क्या होगी, 100 की होगी। आफ्टर दैट, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब एक फोर लाइन सेगमेंट का क्लोज्ड फिगर। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स इट इज गिवन, एंगल ए और एंगल सी यहाँ पे इक्वल दिया गया है, एंगल बी और एंगल डी यहाँ पे आपको इक्वल दिया गया है, राइट? सो यू हैव टू प्रूव दैट दिस फिगर इज पैरेललोग्राम। ओके, दिया क्या है आपको, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ आपको यह बताया गया दैट इसकी अपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो आपको ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, देन दिस फिगर विल बी पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली इफ ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, देन यू कैन से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हमने इस तरीके से डायगनल से डिवाइड कर दिया, और वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये सबसे पहले हमने थ्योरम में पढ़ा। ओके, एंड अपोजिट एंगल यहाँ पे आपको इक्वल दिया गया है, राइट? मीन्स एंगल ए को क्या लिख सकते हो आप, एंगल सी लिख सकते हो, और एंगल बी के जगह पे आप एंगल डी लिख सकते हो। एंगल सी के जगह पे हमने यहाँ पे एंगल ए लिखा, एंगल डी के जगह पे हमने यहाँ पे एंगल बी लिखा। यहाँ पे हमारे इक्वेशन क्या आई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए आप यहाँ पे देख रहे हो, इट कम्स 2 टाइम्स। सिमिलरली एंगल बी आप यहाँ पे 2 टाइम्स देख रहे हो। टू इज मल्टीप्लाइड बाय एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर दो लाइन यहाँ पे आपको है, डेट इज ए डी और बी सी, और ये दोनों एंगल की सम 180 दी गई है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल होंगे, राइट? मीन्स जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन,
और इसके अंदर में ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड की दोनों एंगल्स की संख्या है 180 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे भी फाइंड किए ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, सो ए प्लस बी विल बी 180। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ए बी और सी डी को आप पैरेलल आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, राइट। सो ए और बी एंगल यहाँ पे आपस में इक्वल है, इसका मतलब साइड ए बी इज पैरेलल टू बी सी। सो ये हमारा थ्योरम था। जो भी थ्योरम्स मैं बताता हूँ वो थ्योरम्स आप घर पे जाकर के अपने से प्रूव करने का कोशिश करिएगा। कोई भी थ्योरम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या कोई यहाँ पे स्टूडेंट 60% गेन कर पा रहे हैं, कोई 80%। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, तो हमने पिछले दो क्लासेस में थ्योरम्स बताया। सो सारे थ्योरम्स को आप या तो आप वीडियोस देख सकते हो, या नहीं तो बुक्स में थ्योरम्स दी गई है, आप उसे घर पे खुद से प्रूव करने का कोशिश करना। जब आप थ्योरम्स को प्रूव करते हैं तो आपको क्वेश्चंस जब मिलती है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, तो आप थ्योरम सॉल्व करके वो आप थिंकिंग को डेवलप करते हो, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने ये सारे थ्योरम्स पढ़ा। इसके बाद द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इससे पहले हम आपके बुक पे चलते हैं। तो ये थ्योरम हमारा हो गया कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपको इक्वल दी गई है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। नाउ कम टू दिस थ्योरम। इफ द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। चलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ फिर से। जस्ट वेट। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इज। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं पहले आपको बता रहा हूं। सो लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन, राइट। तो पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी आर एस बाइसेक्ट्स पी क्यू एट पॉइंट ओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एस एक ऐसा लाइन है जो पी क्यू को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं कि पी क्यू की लेंथ पहले 8 यूनिट थी, तो ये जब जहां से आर एस लाइन जा रही है इट डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इंटू टू इक्वल पार्ट दैट इज 4 यूनिट एंड 4 यूनिट बिकॉज आर एस इज बाइसेक्टर। ओके, तो इसी तरीके से पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम में दो डायगनल्स होती है। जब आप अपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे तो आपको यहाँ पे दो डायगनल्स मिलेगा। तो लेट अस सपोज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस ओ इज द सेंटर। तो वी हैव टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मीन्स दिस लेंथ ओ बी और ओ डी ये आपस में इक्वल है एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, राइट। ये हमें क्या करनी है, वी हैव टू प्रूव, मीन्स ओ बी एंड ओ डी आर इक्वल एंड ओ ए ओ सी इक्वल। ओके, मीन्स यहाँ पे वन लाइन दिया हूं, वन लाइन दिया हूं, मीन्स ओ बी एंड ओ डी एंड ओ ए एंड ओ सी ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे दिया क्या है, सिर्फ हमें यह क्वेश्चन में दिया गया है थ्योरम में दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो
तो पैलेलोग्राम के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं आपस में और इक्वल होते हैं। तो अगर हम डी ओ सी ट्राइंगल और ए ओ बी ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगी देन दिस ओ ए विल ओवरलैप ओ डी एंड सॉरी ओ ए विल ओवरलैप ओ सी एंड ओ डी विल ओवरलैप ओ बी, राइट? ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह आ रहा होगा कि दिस इज डी ओ सी एंड दिस इज ए ओ बी, तो यहाँ पे अगर इसे ओवरलैप करेंगे तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर में आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ओ ए और ओ डी एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब हम प्रूव करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा दिस टू ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। ओके, तो ओ ए विल ओवरलैप ओ सी एंड ओ बी विल ओवरलैप ओ डी, राइट? सो पहले हम दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट करते हैं, फिर समझते हैं किस तरीके से ये साइड्स आपस में ओवरलैप करेंगे। सो इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी ओ डी सी इज इक्वल टू ओ बी है। सो ओ डी सी मीन्स दिस एंगल, राइट? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज सी डी इज पैरल टू ए बी, सो दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल पेयर। सी डी इज इक्वल टू ए बी, दिस सी डी एंड दिस ए बी, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। बिकॉज वी नो डैट ए बी सी डी इज अ पैलेलोग्राम, तो पैलेलोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। राइट? सो सी डी इज इक्वल टू ए बी। आफ्टर दैट ओ सी डी इज दिस एंगल एंड ओ ए बी इज दिस एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज सी डी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे दिस इज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी टेस्ट से एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो रहे हैं, कंग्रुएंट हो रहे हैं, राइट? ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो, तो कंग्रुएंट हो रहे हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ये कंग्रुएंट यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, एंगल साइड एंगल हम लोग लगाएंगे। अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कंग्रुएंट होगी तो कौन से पार्ट कहाँ पे जाकर के ओवरलैप होगा। तो इसके लिए मैं एक फ्रेश पेज पे मैं चलता हूं और एक हम पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो एक बड़ा सा मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो लेट अस सपोज दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसकी डायगनल हम बना देते हैं। जब आप ए और सी को मैच करोगे तो आपको एक डायगनल मिलेगा और
जब आप बी और डी को मिला दोगे तो आपको एक डायगनल मिलेगा, राइट। सो ये दोनों जहां पे डायगनल मेट कर रही है उस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं। सो इन अ पैरेललोग्राम वी नो दैट दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड ऑल्सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये वाले साइड को अभी आप भूल जाते हैं, ये वाले साइड के बारे में भी डिस्कस हमें नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज दिस आर अल्टरनेट एंगल पेयर। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। रेड जहां पे मैं ड्रॉ किया हूं, रेड वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है और ग्रीन वाला एंगल यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो ये मैं फिगर इसीलिए यहाँ पे बनाया ये समझाने के लिए कि ओ ए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये ओ ए तो ये ओ डी पे जाकर के ओवरलैप कर जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे घूम के जाएगा। कैसे जाएगा वो हम समझने का कोशिश करते हैं। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये वाली एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप बताओ कि एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड आती है, ये एंगल ए है और इसके अपोजिट में कौन सी साइड है। सो एंगल ए के अपोजिट में मीन सामने में आप कौन से साइड देख रहे हो, आपको ओ बी नजर आ रहा है, राइट। सो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ए के सामने में ओ बी साइड है, राइट। सिमिलरली एंगल सी के सामने में कौन सा साइड है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, एंगल सी के सामने में कौन सा साइड है। सो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज एंगल सी और एंगल सी के सामने में ये क्या है, दिस इज डी ओ। यहाँ पे क्या आया, डी ओ, राइट। सो यहां तक सभी लोग समझ गए क्या? हाँ, यहाँ पे दो आंसर्स भी आए हैं चैट बॉक्स में, डी ओ। ओके, सो हाँ, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल ए के अपोजिट में ओ बी आ रहा है और एंगल सी के अपोजिट में डी ओ आ रहा है। ओके, सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसीलिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से, हमने क्या किया, ग्रीन वाला एंगल लिया, लेट अस सपोज रेड वाला एंगल के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं इसे एंगल डी बोलूं तो एंगल डी के अपोजिट में कौन सा साइड आपको दिख रहा है, चैट बॉक्स में बताइए। ये जो यहाँ पे छोटा सा एंगल आप देख रहे हो, इसे मैं एंगल डी बोला, तो एंगल डी के अपोजिट में कौन सा साइड आपको दिख रहा है, सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। एंगल डी के अपोजिट में कौन सा साइड दिख रहा है, तो एंगल डी के अपोजिट में यहाँ पे आपको ओसी दिख रहा होगा। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल बी मीन्स ये वाली एंगल के अपोजिट साइड में कौन सी दिख रहा है, देन यू विल से ओ ए। ओके, ओ ए। सो एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल पेयर है, दैट्स व्हाई ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, राइट। सो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए।
राइट मीन्स दिस इज ओ सी एंड दिस इज ओ ए, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो जब ये ट्राइंगल अगर ओवरलैप करेगी तो ओ ए साइड ओ डी पे नहीं जा करके इट विल गो, इट विल ओवरलैप ऑन ओ सी। ओके मीन्स ओ ए और ओ सी यहाँ पे इक्वल है और ओ डी एंड ओ बी आर इक्वल। सो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो रहा है दैट द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। मैं आपको बस ये समझाने के लिए उतना बड़ा फिगर ड्रॉ किया कि किस तरीके से ये दोनों अगर ट्राइंगल कंग्रुएंट होगी तो इसकी करोस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगी, कंग्रुएंट होगी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी अकॉर्डिंग टू करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। ओके सो ये दोनों इक्वल है, दैट्स वाई द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यस हाँ, अब आपका प्रैक्टिस सेट 2.5.2 आता है। सो 5.2 में कितने क्वेश्चंस हैं, देर आर 5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मीन्स अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स एंगल ए को आपने क्या किया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एंगल बी को आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एंगल सी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एंगल डी को भी क्या किया आपने, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये सारी लाइन जा करके बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगी और ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपको हाँ सॉरी ये क्या है ए बी सी डी आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया गया है। तो ये पैरेललोग्राम की ये सारी क्या है बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर जहां पे जाकर के मिलेगी, ये जो फिगर यहाँ पे बनेगा ये आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री आपको प्रूफ करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप घर से ये क्वेश्चन करके आना। मीन्स प्रैक्टिस सेट में देयर आर 5 क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन इज मैंडेटरी टू यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो ये क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल रॉम्बस एंड स्क्वायर। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ रेक्टेंगल रॉम्बस और स्क्वायर के बारे में, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसकी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होती है। उस तरीके के फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं राइट। रेक्टेंगल रॉम्बस एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं राइट। बट एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो इस तरीके के फिगर को हम क्या बोलेंगे, रॉम्बस बोलेंगे राइट। इसी तरीके से कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड्स भी आपस में इक्वल है और कॉर्नर एंगल क्या है, सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री के, रेक्टेंगल की भी सारी कॉर्नर एंगल क्या है 90 डिग्री की, स्क्वायर की भी सारी कॉर्नर एंगल्स क्या है 90 डिग्री। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है,
रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वायर्स के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, कैन एनीबॉडी टेल? चलिए माइक ऑन करके बताइए कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। इफ समवन वांट्स टू टेल देन यू कैन यूज योर माइक। आपको रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस बतानी है। ओके, चलिए मैं बता देता हूं। हाँ, रोम्बस की चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल होती है, बट ये जो आप कॉर्नर एंगल यहाँ पे देख रहे हो, ये 90 डिग्री नहीं होती है। जब रोम्बस की ये कॉर्नर एंगल 90 हो जाएगी तो हम इसे स्क्वायर बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन टाइप टी इन द चैट बॉक्स। ओके, जैसे अगर दोनों अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो आप टी टी टाइप करो, अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो TF। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू देन टाइप TT। इफ बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन टाइप फॉल्स एंड फॉल्स। दिस इज स्टेटमेंट वन दैट ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड सेकेंड इज ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा। एंड व्हेन वी ट्रू एंड फॉल्स, वेरी गुड, ऑल रोम्बस। हाँ, सारे स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं बिकॉज स्क्वायर्स रोम्बस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। मींस स्क्वायर्स के सारे साइड्स इक्वल हैं और रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल हैं, बट रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस की जो कॉर्नर एंगल है वो 90 डिग्री की है या नहीं है वो हमें नहीं पता है। जब वो 90 डिग्री की होगी देन ओनली वी कैन कॉल दैट रोम्बस एज स्क्वायर। तो ये सारी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको पिछले भी क्लासेस में करवाया था ताकि आप सारे फिगर्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आप समझ पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल टॉपिक से डिस्कस करें। सो प्लीज लीव द क्लास।